दोस्तों आज हम लोग जानेंगे भारत के मध्य प्रदेश राज्य में स्थित छिंदवाड़ा जिला के बारे में कुछ रोचक फैक्ट्स और खूबसूरत पर्यटक स्थल व इतिहास के बारे में। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों छिंदवाड़ा जिले का गठन 1 नवंबर सन 1956 ईस्वी को हुआ था। इससे पहले छिंदवाड़ा शहर नागपुर जिले का हिस्सा हुआ करता था। छिंदवाड़ा जिला मध्य प्रदेश के दक्षिणी भाग में स्थित होने के कारण इस जिले की सीमाएं दक्षिण में महाराष्ट्र के नागपुर जिला से, उत्तर में होशंगाबाद और नरसिंहपुर जिला से, पश्चिम में बैतूल एवं पूर्व में सिवनी जिला से घिरा हुआ है। इस जिले का मुख्यालय छिंदवाड़ा शहर में ही स्थित है। छिंदवाड़ा शहर जबलपुर डिवीजन के अंतर्गत आता है। इस जिले का नाम छिंद शब्द से लिया गया है, जिसका मतलब खजूर के पेड़ होता है, जो छिंदवाड़ा जिला में सबसे ज्यादा नजर आते हैं। ये शहर समुद्र तल से 675 मीटर की ऊंचाई पर बसा हुआ है। क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से देखा जाए तो छिंदवाड़ा शहर मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है। दोस्तों बात करें इस जिले का क्षेत्रफल की तो 11,815 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैले हुए इस जिले की आबादी साल 2011 के जनगणना के अनुसार 20,90,000 से भी अधिक थी, जिसमें पुरुषों की जनसंख्या 10,65,000 और महिलाओं की जनसंख्या 10,26,000 के करीब थी। यहीं इस जिले का साक्षरता 72.21% के करीब है। छिंदवाड़ा जिले की लिंगा अनुपात 966 महिलाएं प्रति 1,000 पुरुष मौजूद है। जिले की जनसंख्या दर 2001 से 2011 के बीच 13.03% रहा है। इस जिले की मुख्य भाषा हिंदी, उर्दू, मराठी आदि भाषाएं बोली जाती हैं। धार्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो इस जिले की कुल आबादी में से 90.01% हिंदू, 4.82% मुस्लिम, 1.17% बौद्ध, बाकी अन्य धर्म के लोग निवास करते हैं। यह जिला भारत का एकमात्र ऐसा शहर भी है जहां पर भारत का पहला मसाला पार्क छिंदवाड़ा जिला में ही स्थित है। आवागमन के दृष्टिकोण से देखा जाए तो छिंदवाड़ा शहर रेल मार्ग, सड़क मार्ग, वायु मार्ग अर्थात तीनों मार्गों से जुड़ा हुआ है। रेल मार्ग छिंदवाड़ा रेलवे स्टेशन इस शहर का मुख्य रेलवे स्टेशन है, जो केवल मध्य प्रदेश का ही नहीं बल्कि भारत का सबसे व्यस्तम रेलवे स्टेशनों में से एक है। सड़क मार्ग छिंदवाड़ा शहर अन्य राज्यों से सड़क मार्ग के जरिए पूरी तरह से जुड़ा हुआ है। यहाँ से भोपाल की दूरी 286 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। जिला छिंदवाड़ा से राष्ट्रीय राजमार्ग 26 और 69 यहाँ से होकर गुजरती है। छिंदवाड़ा शहर में टैक्सियां और बसें भी आसानी से उपलब्ध है। वायु मार्ग छिंदवाड़ा शहर का निकटतम हवाई अड्डा नागपुर हवाई अड्डा है, जो भारत के अनेक एयरपोर्ट से जुड़ा हुआ है। छिंदवाड़ा शहर अपने खूबसूरत पर्यटक स्थल की वजह से भी जाना जाता है। तो आइए जानते हैं कि वो कौन से पर्यटक स्थल है जिनके बिना छिंदवाड़ा शहर का भ्रमण अधूरा है। पटाला कोट। दोस्तों छिंदवाड़ा की इस खूबसूरती को देखने के लिए लोग काफी दूर दूर से भी आते हैं, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता की वजह से पूरे भारत में प्रसिद्ध है। दोस्तों पताला कोट लगभग 1200 से 1500 फीट की गहराई वाली एक खतरनाक स्थान है। देवगढ़ का किला। यह किला छिंदवाड़ा शहर से 39 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जो काफी लोकप्रिय है। यह एक प्राचीन किला है। पताले शिव मंदिर। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित करता है। यह मंदिर छिंदवाड़ा में स्थित एक धार्मिक स्थल है, जो काफी खूबसूरत भी है। इसके अलावा इस शहर में कई और ही पर्यटक स्थल मौजूद है, जिसे जाकर आप देख सकते हैं, जैसे हनुमान मंदिर सिमरिया, घोगरा जलप्रपात, एकता पार्क, छोटा महादेव मंदिर, कुकड़ी घाबा जलप्रपात आदि इस शहर के प्रमुख पर्यटक स्थल है।